कर चुके हैं बेटकॉर्ड पीपल्स चॉइस। बहुजन समाज पार्टी लगातार अखिलेश यादव के वोट बैंक मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की पूरी कवायद कर रहा है। लगातार मुस्लिम समाज के कई बड़े नेता जो सपा में थे या समाजवादी पार्टी के नज़दीक थे, उनको बीएसपी में शामिल करवाया जा रहा है और बीएसपी में आने वाले मुस्लिम नेताओं के लिए पूरी जो दरवाजे हैं वो खोले गए हैं। ऐसे में सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त मुस्लिम समाज को जोड़ने की पूरी कवायद कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश कर रही है कि मुस्लिम, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर एक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की खास और बहुजन समाज पार्टी का कुनबा या परिवार, जिस पार्टी को एक परिवार को कहे तो वो संगीता आजाद का परिवार है। उनके ससुर रहे हैं, उनके पति और तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता रहे हैं और संगीता आजाद इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की खास करीबी नेताओं में शामिल तो है, साथ ही वो बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र महिला सांसद है। और बहुजन समाज पार्टी की महिला सांसद संगीता आजाद ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी की अनुशंसा के अनुसार मांग है वो बड़ी की है और यादव समाज को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है। इस लोकसभा सेशन के अंदर यानी बजट सत्र जो चल रहा था, इस बजट सत्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सांसद संगीता आजाद ने अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग कर डाली। उन्होंने दलितों के लिए चमार रेजिमेंट और यादवों के लिए अहिर रेजिमेंट सहित कई सारी रेजिमेंट है वो बनाने की मांग की थी। यादव समाज को यहाँ पर अपने आप के पक्ष में लाने की कोशिश यहाँ पर साफ नजर आ रही है कि यादवों को अपने पक्ष में लाने के लिए बीएसपी एकमात्र पार्टी इस सदन में रही विपक्ष की तरफ से, जिसने अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की है। ऐसे में ये मांग काफ़ी लंबी है, लेकिन इस मामले को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी ने सदन के पटल पर रखा है और इसके पीछे का लॉजिक ये माना जा रहा है कि मुस्लिम समाज के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी यह जानती है कि दलित और मुस्लिमों के साथ साथ अगर यादव और पिछड़े समाज भी बड़ी संख्या में बीएसपी के साथ जुड़े तो सरकार में आने की संभावना बनी रहती है। इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये जो संगीता आजाद है उन्होंने ये मांग रखी है। मिलेंगे इस नवीन अपडेटों के साथ, अब तक आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।